दिखाओ अपने कागज, दिखाओ अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के कागज, और नहीं है कागज तो आप जाओगे नागरिकता की सूची से बाहर। हम पर ये इम्तिहान लागू करने से पहले इस सरकार के सारे नेता दिखाए अपने कागज, हमें हमें दिखाओ अपने कागज। महाभारत में जब पांडव अपना हक मांगने आए थे कौरव से, तो कौरवों ने एक पासे का खेल रखा था जिसमें शकुनी मामा हर बार एक नई चाल चल देते थे। हमारी सरकार में भी शकुनी मामा बैठे हैं। जब उन्हें लगा कि एनआरसी की चाल चल नहीं रही है, तो उन्होंने एनपीआर का पासा छोड़ लिया धीरे से। अब वो बता रहे हैं कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, ये तो जनगणना है। अरे कितनी जनगणना करवाओगे, और कोई काम नहीं है क्या सरकार के पास? मतलब हालत देखिए, हम हमारे देश की नौकरियां नहीं है, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा हुआ है, मंदी ऐसी जैसी कभी थी नहीं, बेरोजगारी का आलम यह कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में है। कल वित्त मंत्री ने ऐसा बजट दिया कि सेंसेक्स बैठा ही दिया, 3 घंटे भाषण देने के बाद समझ ही नहीं आया किसी को भी क्या था वो। और आप इन फालतू की स्कीमों के पीछे पड़े हुए जो आपको पता है कि विफल हुए। असम एक राज्य जिसमें 3 करोड़ की आबादी है, उसमें आपने 19 लाख लोगों का नाम छोड़ दिया। आप अनुमान लगाइए कि 137 करोड़ की आबादी में कितने लोगों को आप बाहर करेंगे। असम में एक इंसान के एनआरसी के पीछे 399 रुपया खर्च हुआ था। स्टेटिस्टिशियन जो लोग गणित समझते हैं, उन्होंने कैलकुलेट किया है कि पूरे देश में एनआरसी करने की लागत आएगी 54,000 करोड़। किसका पैसा है ये आपका और मेरा टैक्स पेयर का पैसा है। हम नहीं चाहते अपने पैसों को इस फालतू की स्कीम में लगाना। हमें शिक्षा चाहिए जिसका बजट आपने काट दिया है, हमें स्वास्थ्य चाहिए जिसका बजट आपने काट दिया है, हमें सड़कें चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए, हमें पानी चाहिए पीने का। सरकार क्यों, मतलब ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि सरकार क्यों ऐसी बेहुदा स्कीम लागत मतलब लागू करेगी। कुछ तो नशा कर रही होगी सरकार, ये ऑप्शन दे रहे हैं। आपको कैसे पता सारे नशे के नाम, उसे बाद में आएंगे। हम बहुत सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि सरकार नफरत का नशा कर रही है, और नफरत से बड़ा कोई नशा नहीं होता। नागपुर में बैठ के ये लोग नफरत का नशा कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, और नफरत का व्यापार कर रहे हैं। ये अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने, और ये आपके बच्चों के हाथों में लाठियां और कट्टे और बंदूकें देते हैं, ताकि वो जब उनको उकसा के वो शाहीन बाग जैसी जगहों में भेजेंगे, ताकि वो उनकी घटिया राजनीति करें और फिर बाकी अपनी जिंदगी जेल में बिताएं। ये है ये घटिया खतरनाक नशा। इस नशे का असर कमाल है। इंदौर के ही एक सपूत है, कैलाश विजयवर्गीय साहब। भाई एक बात बताइए मुझे, आजीवन जो आदमी पोहा जलेबी खा के बड़ा हुआ हो और उसे फिर पोहा बांग्लादेशी लगने लगे, तो उससे क्या पूछिएगा आप? यही पूछिएगा ना आप कि अंकल क्या फूक रहे हो, यही पूछेंगे। और मेरी एक सिंपल सी मतलब सिंपल सा तर्क है कि अगर पोहा बांग्लादेशी है, तो जो आदमी आजीवन पोहा खा के बड़ा हुआ है वो भी बांग्लादेशी हुआ। दिखाओ अपने कागज, दिखाओ अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के कागज, और नहीं है कागज तो आप जाओगे नागरिकता की सूची से बाहर। हम पर ये इम्तिहान लागू करने से पहले इस सरकार के सारे नेता दिखाए अपने कागज, हमें हमें दिखाओ अपने कागज। आपने हमसे जो मांगा हमने दिया आपको, आपने हमने आपको अपने पंजे के निशान दे दिए आधार कार्ड में, अब आप दिखाओगे हमें।